So we were supposed to fly to Dubai at 4:20, but हम तब से यहीं पर हैं और आप देख सकते हो everybody is just sitting here and that's Mumbai airport. And the reason is कि हम take off करने वाले थे लेकिन फिर we got the news that एक Canadian business aircraft got crashed. और तब से हम लोग यहीं पर हैं. Ladies and gentlemen, once again, captain of the flight deck. We have just finished our all last minute paperwork and the runway has opened up about 15 minutes back. And we have got assurance from the ATC that once we close the doors and request, we shall be number one because of our previous sequence. And I'll update you with the exact time once we have more airborne. Just awaiting some last minute paperwork and once we're done with that, we shall be ready for our departure. Safe flight to all of you and wish you a comfortable journey. Thank you once again. So the announcement we and that is hum shayad se 15 minute ke baad we will fly. Yeah. Departure declare kiya hai. They have done some paperwork. Nahi bhai ho gaya namak bottle. So let's see. Mereko bhook bahut zyada lag rahi hai is waqt aur mereko moongfali nahi khana hai. Hi everybody. So this is day 1 actually in Dubai. कल हम लोग पहुँचे हैं अपने होटल में भी चेक इन अराउंड 11:30 इन नाइट. पैर हटाओ, ये देखो पैर फैला के शेख साहब बैठ गए थे यहाँ पे एकदम. शेख साहब आर यू ऑल रेडी? शेख हो गया. सो गाइस आई एम ऑल सेट, नाउ वी आर हेडिंग आउट और अब मैं आपको ले जाती हूँ दुबई के मॉल में. सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर. वैसे अगर कहते हैं कि लग्जरी है तो दुबई में है, वो बिल्कुल सही कहते हैं. We have just boarded this cab and look at the cab, guys. We are in Lexus. We are in Lexus. Which is not a luxury in Dubai, though. Yeah. What? It's not a luxury in Dubai, though. But yeah, in India, Lexus. In India, it is. Guys, so we have reached Dubai Mall and look at it. Basically, हमारी सिचुएशन ये है दैट एक तो पहली बात ये मॉल बहुत बड़ा है और दूसरी वजह देख रहे कैमरे में यार. So basically, एक तो ये मॉल काफ़ी बड़ा है एंड वी हैव ऑलरेडी बुक फॉर अ फाउंटेन शो. सो अब हम लोग जा रहे हैं उस तरफ. इट्स ऑलरेडी 3 o'clock और हमने अभी भी पूरा मॉल कवर नहीं किया. वी थॉट कि हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लिटिल टफ बिकॉज वी हैव टू इमीडिएटली गो टुवर्ड्स दैट साइड. या अगर आप कभी भी दुबई आते हो और आप मॉल प्लान कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर आपको पूरा 2 दिन यहाँ पे देना पड़ेगा. उससे कम आप नहीं दे सकते. कम से कम 2-3 करोड़ रुपए भी. वो भी है. सो लेट्स गो. अभी हमें पता चला है वन ऑफ अ फ्रेंड शी स्टेज हियर तो शी सेड कि वी शुड गो टू व्हाट्स द नेम टाइम आउट. वी शुड ट्राई द फूड एट टाइम आउट. ऑल द गुड ब्रांड्स, ऑल द गुड फूड ब्रांड्स आर प्लेस्ड एट टाइम आउट. दे हैव अ डिफरेंट फूड पॉप अप देयर. सो वी विल गो एंड ट्राई सम गुड क्यूजिंस. लेट्स सी हाउ. सो नाउ लेट्स गो टू टाइम आउट. काफ़ी सुना है, अब देखते हैं कैसा है वो. और उसके बाद हम करेंगे अपना व्हाट फाउंटेन शो. द फाउंटेन शो, लेट्स गो. वैसे कहते हैं अगर हम दुबई नहीं आए और हमने बुर्ज खलीफा नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा. तो आ जाइए फिर हम आपको भी दिखाई देते हैं. अरे ऊपर ही जा रहा हूँ अभी तो मैं. वैसे तो कहते हैं कि बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी बिल्डिंग है और ऑफ कोर्स आप देख सकते हो पीछे इट इज़, बट ये बाकी सारी बिल्डिंग्स भी छोटी नहीं है. क्या बुर्ज खलीफा, ओह माय गॉड, हाउ मेनी फ्लोर्स डज बुर्ज खलीफा हैज? आई हैव टू गूगल इट गाइस, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल. नाउ वी हैव रीच्ड टू टाइम आउट मार्केट जो हमने सुना है कि काफ़ी पॉपुलर है एंड लेट मी गिव यू द व्यू. Yes.
So guys, it's a huge market and I have just placed an order for myself because I'm a vegetarian, so I'm gonna have a falafel sandwich. And baki hum yahan pe dekh rahe hain. Let me show you the market. It's beautiful and it's huge. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे दुबई मॉल ना बार बार आना पड़ेगा क्योंकि सारा चीज़ तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, कवर ही नहीं कर पा रही हूँ. तो अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं ना दुबई आने का, सो यू मेक श्योर कि आप यहाँ पे एटलीस्ट यू हैव टू गिव 3 days टू दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे आपका ये टाइम आउट इज बेसिकली इट्स लाइक अ फ्ली मार्केट फॉर द फूड, जहाँ पे यू हैव लॉट ऑफ स्टॉल्स एंड यू कैन कीप हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कीप ऑर्डरिंग. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि दैट यू आर कन्फाइंड कि आप कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, आपको उसी मेन्यू में से प्लेस करना पड़ेगा ऑर्डर. तो ये तो बहुत अच्छा है यहाँ पे. और दूसरा कैसा है कि दुबई मॉल में कितने सारे ऑप्शंस हैं शॉपिंग करने के लिए. इनफैक्ट दुबई मॉल के दो चीज़ें हैं, एक तो उनका लग्जरी एंट्रेंस है और एक तरफ उनका मार्केट है. सो यू हैव टू चेक बोथ द साइड्स और उसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे. गॉट माई फूड, आई हैव ऑर्डर दिस फलाफल सैंडविच और ये हमको टाउन हॉल में मिली है 18 AED विच इज़ धीरम 21, it is not 18, we paid 21. Oh yeah, we paid 21, but 18 kyun likha hai? Pata hai? Oh, we paid 21. So that's like 550 rupees of Indian currency. So guys, अब हम लोग जा रहे हैं for the lake ride. And I have done the booking from Klook. It's an app. So अगर आप दुबई आते हो आप उसमें से भी you can even take a package from that application. और how are you feeling? Tired? Already. अरे be little energetic ना, आज तो पहला ही दिन है दुबई में. I need some B12. मतलब इतनी जल्दी? हाँ? Warming up. Warming up for what? For the next 5 days. It's my birthday. Oh yeah. ओ या ये मतलब कैरियर से चल रही डायलॉग की. अच्छा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लेक राइड के लिए एंट्री कहाँ से है. दैट साइड इज एंट्री टूवर्ड्स द टाइम आउट विच इज हियर. टाइम आउट दैट विच इज अ ह्यूज मॉल वेयर यू गेट वेयर यू विल गेट वैरायटीज ऑफ रेस्टोरेंट. फिर आपको उधर से वॉक करते हुए यू हैव टू कम टिल हियर और हियर यू कैन सी दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड विच इज Burj Khalifa. And you have some nice twisty treats also. I mean this is not a mall, it's a mini city I would say. I'm going to have ice cream now. Itni garmi mein sirf yahi hai mera sahara and I'm such look at this guy. Oh my god. Once again. The tallest building of the world and boom. So guys, we have just boarded the boat. Abhi fountain is yet to start. We are just sitting in the boat and just enjoying the view. I'll tell you something, it is actually amazing. If you are coming to Dubai, ye karna to banta zarur hai. What you say? Yeah. He said yeah? Yeah.
just finished our Dubai Fountain show. And oh my god, it was amazing. What do you have to say? Yeah, it was nice, very nice. Yes. Or kuch? I'm pretentious. I'm trying very hard. I'm gonna be the next biggest vlogger in the next 100 years. Me too. Keep watching. 100 years. Keep watching us. Subscribe. Ring the bell icon. And keep watching my vlog.